या तो आप लोग ने मैं मरवाना पड़ूंगा। जब तक मैं जीऊंगा इस हरियाणा के अंदर जिस भी कोने में जाऊंगा वहां के विधायक को 700 रुपए कहूंगा, आप लोगों को बुलाऊंगा भाई, जिसके हल्के में जो भी मदद होगी हरतम नमो के पाकवा मदद करनी पड़ेगी, ना करनी पड़े ते झूठी राजनीति और झूठी वोट गरीबा के लेने मत आया करो। ये अपनी पति जी है। अच्छा भाई सुख रहे सभी साथियों को भाई। सबसे पहले कारस चिकारा की तरफ से हाथ जोड़ कर राम राम। आप सभी साथियों को बता दे हाल फिलहाल हम पहुंचे हैं बोड़ा गांव में, और बोड़ा गांव में हमारे साथ में हमारी माता जी है, और एक किस्म तो भाई मैं तो ये कहूंगा भगवान का रूप हो हमारी शक्ति, क्योंकि मेरी भी 7 साल की उम्र थी जब मेरी माँ गुजरी, हमने भी राम कैसे बड़े हुए हैं। सेम ऐसी ही हालत आज है, जिस गुड़िया की मदद करने के लिए पहुंचे ना उसका माँ है ना बाप है, उसकी माँ भी आई है बाप भी आई है, यानी कि बुआ है, बुआ ने माँ का फर्ज निभाया, बुआ ने सब कुछ कराया, और आज इस घर में हम पहुंचे हैं। जैसा भी हमारे से सहयोग हुआ उस सहयोग के रूप में अपनी गुड़िया के लिए अपनी बच्ची के लिए एक डबल बेड, एक संदूक, एक अलमारी, एक सिलाई मशीन, 51 बर्तन, एक गैस चूल्हा और 41,100 रुपए कन्यादान, ये हमारी तरफ से सहयोग राशि है। क्योंकि यार माता जी को ये नहीं लगना चाहिए आके भाई इसका कुछ भी नहीं है, इसका सब कुछ है। जो माँ का फर्ज इन्होंने निभाया और जो भाई का फर्ज होया करे के वो फर्ज निभाने की हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। एक आप सभी साथियों को एक बात बता दे, घर की हालत आपने दिख रही होगी खुद, या माता जी जो खड़ी है इसके खुद के घर में टीन पड़ी है, इसका खुद का जुगाड़ नहीं है 1 रुपये का। लेकिन बड़ी चीज क्या होती है, बड़ी चीज होती है दिल, बड़ी चीज होती है अपने बच्चे को संभालना, संभाल कर शादी के लायक इसने कर दिया, और जैसा भी हमारे से हुआ वो जिम्मेदारी हमने निभा दी। अब बात आती है समाज की, समाज के अंदर जितने जो साथी, आप सबसे मेरी एक विनती है भाई, जो भी नेता मंत्री मैं पोस्ट डाल के उस चीज को डाल भी देता हूं कि आप लोग इनसे मदद लिया करो, हम एमएलए एमपी किस लिए बनाते हैं, हम इसलिए बनाते हैं ताकि वो हमारे दुख में काम आ सकें। लेकिन गरीब आदमी की इतनी हिम्मत तक नहीं होती किसी एमएलए या किसी एमपी के द्वार पर चला जा, इतनी हिम्मत हमारे अंदर जरूर है। इसलिए मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, जब तक या तो आप लोगों ने मैं मरवाना पड़ूंगा, जब तक मैं जीऊंगा इस हरियाणा के अंदर जिस भी कोने में जाऊंगा वहां के विधायक को 700 रुपए कहूंगा, आप लोगों को बुलाऊंगा भाई, जिसके हल्के में जो भी मदद होगी हरतम नमो के पाकवा मदद करनी पड़ेगी, ना करनी पड़े ते झूठी राजनीति और झूठी वोट गरीबा के लेने मत आया करो। एक दारू बांटना, मोल की टिकट लेना, अमीर आदमी आ तो 2 रुपये दे दो ले इस गांव की वोट खरीद रही हो, यह राजनीति रहेगी के फिर गरीब आदमी के काम कौन आऊगा, गरीब आदमी के घर तक कौन पहुंचेगा, और फिर आप लोगों को नेता मंत्री किस लिए चुनते हैं। हमारी जो जिम्मेदारी थी वो हमने संपूर्ण करी, और कन्यादान का फर्ज मेरे साथ में मेरा बड़ा भाई धमल फौजी है, साथ में भाई सुमित है, सुमित भाई ने 5,500 रुपये नगद कन्यादान में सहयोग दिया, धमल फौजी भाई साहब का जो अपने खुद की टीम बना रहे हैं उनकी तरफ से 11,000 रुपये इन्होंने कन्यादान में सहयोग किया। मेरी बड़ी बहन है मेरे साथ में गीता अहलावत, किसान अभिनेत्री मेरे साथ में, मेरी दोनों बड़ी बहन माता समान, 11 सूट मेरी बहनों की तरफ से सामान आप लोगों को सभी पहुंचा बता दिया, वो इस परिवार की तरफ पहुंचा दिया है। और आप लोगों को बता दे हम ज्यादा व्यस्त होने के कारण ये शादी है तो 22 तारीख की 20 को ये सामान यहाँ पर पहुंचा दिया है, 22 तारीख तक 2 दिन बाकी है, 2 दिन में बोड़ा गांव ट्राली जुआ के पास पड़ता है गोवाणा विधानसभा सीट के अंदर आता, जहां का विधायक जगबीर मलिक है, बुलाया भी था मुख्य पाठ तो पहुंचा नहीं भाई, जय आपकी ताऊ जी आत्मा जाग जाती घर में कि मैं 21-31-51,000 रुपये जरूर पहुंचा दियो, इवे 2 दिन मदद के रह रहे हैं, हर वीडियो देखने वाले इस वीडियो ने शेयर करके उस तीन पहुंचा दियो, ताकि इस घर में नहीं जितने जो भी गरीब हैं उनके घर में कुछ न कुछ तो दे, हम सब आम आदमी है, हम सब मिलकर इतना कर सकते थे तुम नहीं कर सकते, थारे बस की ये चीजें नहीं है क्या, ये सवाल जो आप सब से रहेंगे। जो दानवीर साथी जितने जो मेरे भाई आप सब कारते से साधुवाद,
आप सबकी लिस्ट शाम को डाल दी जाएगी, जितना दान देने वाले साथी आप लोग ऐसे ही जुड़े रहना। आप लोग हकीकत में गरीबों की आखिरी उम्मीद हो, आप लोगों के कारण ये संभव हो पा रहा। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।